राजस्थान में पायलट ने अकेले मचाया भयंकर कोहराम, हिल गई भाजपा सरकार। राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में कुछ महीनों में गहलोत और पायलट खेमे के बीच देखी गई आश्चर्यजनक चुप्पी की चर्चा रही है। लेकिन हाल ही में ये चुप्पी तब टूटी जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर तंज कसते हुए उन्हें हाईकमान करार दिया। इस एक बात ने पार्टी के भीतर चल रही लड़ाई को उजागर कर दिया। चर्चाओं को खारिज करते हुए कांग्रेस नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कांग्रेस में गुटों के सवाल पर कहा था, अंतर कहाँ है? क्या आपने कभी हमारी पार्टी के किसी व्यक्ति को एक दूसरे के खिलाफ बोलते देखा है? लेकिन विधानसभा चुनाव के दस्तक के बीच सीएम अशोक गहलोत का सचिन पायलट पर एक तंज पार्टी में एकता दिखाने की कोशिशों पर पानी फेर गया। 5 अक्टूबर को जयपुर में एक कार्यक्रम में टिकट वितरण में पायलट की भूमिका पर एक सवाल में गहलोत ने कहा, सचिन पायलट हमारी पार्टी के नेता है, अब वह खुद ही हाईकमान बन गए हैं, आलाकमान को ये बताने की जरूरत नहीं है कि क्या करना है। उन्होंने कहा, जब आलाकमान ही टिकट बांटता है तो पायलट की भी इसमें भूमिका होगी। उन्होंने कहा, सीडब्ल्यूसी सदस्य होना बड़ी बात है। राजनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक ये टिप्पणी पार्टी की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था में पायलट की सदस्यता पर एक व्यंग प्रतीत होती है। गहलोत और पायलट के बीच ये एक ना खत्म होने वाला विवाद दिखाई दे रहा है। इस टिप्पणी की टाइमिंग भी चर्चा में है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि हाल ही में पार्टी के सलाहकार एजेंसी डिजाइन बॉक्स को लेकर गहलोत और पीसीसी प्रमुख गोविंद सिंह डोटासरा के बीच अनबन हो गई थी। डोटासरा को इस एजेंसी से दिक्कत थी, जो अपने सभी पोस्टरों में केवल सीएम के चेहरे को चित्रित कर रही थी। ना ही कांग्रेस पार्टी का कोई अन्य चिन्ह और प्रतीक और ना ही किसी अन्य नेता का। सूत्रों ने कहा कि वह कथित तौर पर इस मुद्दे को कांग्रेस आलाकमान के पास भी ले गए, जो पोस्टरों से समान रूप से नाखुश था। फिलहाल इस खबर को देखकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।